भारत जोड़ो यात्रा दिल्ली पहुंच चुके हैं। योगेंद्र जी मेरे साथ मौजूद हैं। सर, भारत जोड़ो यात्रा दिल्ली पहुंच चुकी है, आप भी लगातार जुड़े हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे? दिल्ली इस यात्रा का एक पड़ाव है, इसका गंतव्य नहीं है, डेस्टिनेशन नहीं है, और श्रीनगर भी इसका डेस्टिनेशन नहीं है। इस यात्रा का गंतव्य है इस देश का अंतिम गांव, उसका दरवाजा और दरवाजे के भीतर रहने वाले लोगों का दिल। ये जनादेश की चुनाव की यात्रा नहीं है, ये जनसंपर्क की यात्रा नहीं है, ये जनमानस बदलने की यात्रा है। जो देश में नफरत और झूठ की दीवार खड़ी की गई है उसे तोड़ने की यात्रा है। 108 दिन में, और 108 बहुत ही शुभ संख्या होती है, 108 दिन के बाद विश्वास से हम कह सकते हैं कि दीवार टूटी भले ही ना हो, उसमें एक छेद जरूर हो गया। योगेंद्र जी, 2024 से पहले क्या बड़ी तस्वीर नजर आएगी क्या आपको? 2024 नजर आ रहा है, मेरी दृष्टि थोड़ी छोटी है, मैं तो 2022 में खड़ा हूँ, और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा 2023 नज़र आता है। और सिर्फ ये नज़र आता है कि इस देश की जनता अगर झूठ को झूठ बोलना सीख ले, और अगर नफरत को कहना शुरू कर दे कि ये नफरत इस देश में नहीं चलेगी, तो बस वो पर्याप्त है मेरे लिए। ये बाकी चुनावी गणित और ये सब चीज़ें बाद में होती रहेंगी। आखिरी सवाल, बिल्कुल आखिरी सवाल करूंगा आपसे, मनीष सिसोदिया, आप आम आदमी पार्टी को भी आपने बिल्कुल करीब से जाकर देखा, मनीष सिसोदिया का ये कहना है कि अब जनता के सामने ऑप्शन है, अगर मोदी का कोई ऑप्शन है तो अरविंद केजरीवाल है, और 2024 में जनता केजरीवाल को प्रधानमंत्री बनाना चाहती है। उनका अधिकार है, हर आदमी को इस देश में अब कुछ बोलने का तो अधिकार है ही है। मैं समझता हूँ आम आदमी पार्टी दिल्ली में और देश में, खास तौर पे देश में, बीजेपी का विकल्प नहीं, बीजेपी की राजनीति का एक दूसरा कैरेक्टर बनना चाहती है। वो एक ब्रांड चल गया है, इसलिए उसका दूसरा वेंडर बनना चाहते हैं। जो रिलेशनशिप डीएमके और एडीएमके में है, वैसा ही उनका बीजेपी के साथ संबंध है। इसलिए मैं समझता हूँ इस देश को इस वक्त उसकी ज़रूरत नहीं है। देश को जिस चीज़ की ज़रूरत है वो विकल्प चाहिए, उसे इसका दोहराव नहीं चाहिए। भाजपा के बड़े नेता ये कह रहे हैं कि कोविड काल शुरू हो चुका है, लेकिन राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा आगे बढ़ती जा रही है, क्या कहना चाहेंगे? उनका राहु काल जरूर शुरू हो चुका है, ये बात बिल्कुल सच्ची है। डरे हुए हैं बेचारे, जिस तरह से किसान आंदोलन को देखते ही उनको कोविड लग गया था, उसी तरह से इस यात्रा को देख के भी कोविड लग गया है। और जिसका मतलब है इसका तीर सही निशाने पे लगा है, इसका मतलब है कि असर तो हुआ है इस यात्रा का। धन्यवाद।